सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ जुनैरा अली। मैं हूँ जैशान बशीर। इस बुलेटिन में हुदा शाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है। मरकज़ रोयते हिलाल कमेटी ने कल ईद का ऐलान कर दिया। 24 न्यूज की तरफ से पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया है। मरकज़ रोयते हिलाल कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता चांद के रोयत का ऐलान किया गया। मरकज़ रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में मुफ्ती मुनीबुर्रहमान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें ऐलान किया गया कि शवालुल मुकर्रम का चांद नज़र आ गया है, कल ईद उल फितर होगी। 24 न्यूज़ की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। चेयरमैन मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर्रहमान ने सरकारी तौर पर ईद मनाने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं वज़ीर आला के भी और शौकत यूसुफ ज़ई भी दीन के ताबे हैं। सूबाई हुकूमत का मरकज़ से इख्तलाफ हैरान कुन है। मस्जिद कासिम अली खान को पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा नहीं कहा जा सकता। कुछ अनासिर उलमा और हुकूमत में खलीज पैदा करना चाहते हैं। हुई कि जिस पार्टी की विफाक में हुकूमत है वो सूबाई सतह पर सरकारी सतह पर इन्हराफ कर रही है। ये पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाक़िया है। सरकारी मनासिब पर फायज हैं, उन्हें अपने मनसब की नज़ाकतों की पासदारी करनी चाहिए। और ये हुकूमत के जो वज़रा हैं ये मारे आस्तीन हैं कि ये खाम खा उलमा और हुकूमत के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं। और मैं ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसमें उलमा शरीक नहीं हुए। इसलिए हम हुकूमत से कोई महाजराई नहीं चाहते। हुकूमत अपने काम करे, लेकिन दीनी मामलात में हुकूमत का काम है मुआवनत करना, यही दस्तूर पाकिस्तान का तकाजा है। और सूबाई वज़ीर इत्तला'आत के पी शौकत यूसुफ ज़ई ने मुफ्ती मुनीब और फवाद चौधरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने कभी खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को तस्लीम नहीं किया। मुफ्ती मुनीब को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। किसी को हमें मुबारकबाद देना चाहिए। हमारी शहादतों को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये बस सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में लोग चांद देख लेते हैं और मुफ्ती साहब वहाँ से आके कहते हैं जी पाकिस्तान के किसी कोने में चांद नज़र नहीं आया, तो कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के कोना ही तो समझ लें। तो मेरे ख्याल से अब उम्र का तकाजा है उनका। मैं तो यही कहूँगा उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। रोयते हिलाल में मेरे ख्याल से उनकी बड़ी खिदमत रही हैं। अब उनको आराम करना चाहिए क्योंकि 60 के बाद रिटायरमेंट शुरू हो जाती है। जो रोयते हिलाल कमेटी है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, उसको दोबारा देखा जाए और उन लोगों को डाला जाए जिनको चांद नज़र आ सकता है। अगर इनसे मसला हल हो सकता है, हमें मसले का हल चाहिए। अगर इनसे मसला हल हो सकता है तो फौजी साहब के लाने को, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, आ जाए। तो मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी के ऐलान से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी तौर पर ईद मना ली गई। वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने केपी हुकूमत के फैसले को जग हंसाई का सबब करार दिया। शौकत यूसुफ ज़ई बोले कि मुफ्ती फवाद को मशवरा देते हैं कि अपने काम पर तवज्जो दें, हुकूमत और उलमा को टारगेट ना करें। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के मामले पर फवाद चौधरी और शौकत यूसुफ ज़ई आमने सामने आ गए। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज ईद मनाने का फैसला नामुनासिब और जगहंसाई का सबब बना। दुनिया में ऐसे तासुर गया जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ ज़ई ने फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुफ्ती फवाद को मशवरा देते हैं कि अपने काम पर तवज्जो दें, हुकूमत और उलमा को टारगेट ना करें। हमने ईद का ऐलान वज़ीर आज़म से मशवरे के बाद किया। सरकारी सतह पर हम ऐलान कर चुके हैं। हमारे लिए ये बात थी कि हम चाहते थे कि पूरे सूबे में ईद हो और हमने अपनी पूरी कोशिश की और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मरकज के साथ बैठकर इसका कोई हल निकालें। शौकत यूसुफ ज़ई ने कहा कि एक रोजे का कफारा अदा करेंगे और दोबारा रखेंगे। हम तो यहाँ हमेशा से 3 ईदें मनाते हैं, इस दफा हमने एक कर ली थी, हमारे लिए तो अच्छा हुआ है। वो तो कफारा है एक रोजे का, वो तो हम सब अदा करेंगे। हमने भी तो हम खुद भी तो रखेंगे, कल या परसों हम इंशाल्लाह एक रोजा रख लेंगे। वो तो कफारा है, वो तो करना पड़ेगा।
शौकत यूसुफजई ने कहा कि यह गलत फहमी है कि मुफ्ती शहाबुद्दीन के कहने पर ईद का ऐलान किया। फवाद चौधरी ने कहा कि जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, चांद का मसला हल हो ही जाएगा। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान के बाद सूबे में सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई गई, लेकिन बाज अजला में उलमा ने हुकूमती ऐलान को मुस्तरद करते हुए रोजा रखा। कहाँ ईद हुई और कहाँ रोजा रखा गया, इस बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान के बाद सूबे के बेशतर इजला में ईद मनाई गई, लेकिन कई मकामात पर रोजा रखा गया। पेशावर, बनून, नशहरो, दारुल उलूम अकोड़ा खटक, लंडी कोतल, कोहाट, मोहम्मद समेत दीगर शहरों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जहां मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी गयी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई के ऐलान को मुस्तरद करते हुए रोजा रखा गया, जिनमें हजारा डवियां, डी आई खान और टांग के कुछ इलाके शामिल हैं। सवात की तहसील कबल और तहसील चारबाग के शहरियों ने भी हुकूमती ऐलान मुस्तरद करके रोजा रखा। मुल्क भर में बोहरी बरादरी ने भी आज ईद मनाई। कराची में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ताहिरी मस्जिद सदर में हुआ। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी और नॉर्थ नाजिमाबाद में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मरकजी रुईते हलाल कमेटी के ऐलान से कबल खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाने पर उलमाए कराम ने सख्त रद्द अमल दिया है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयास ने कहा 3 जून को चांद के रुईत का इम्कान ही नहीं था। मुफ्ती नईम ने कहा 28 रोजे कराकर हुकूमत ने लोगों के साथ जुल्म किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मरकजी रुईते हलाल कमेटी के ऐलान से पहले ईद मनाने पर उलमाए कराम ने तशवीश का इजहार कर दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयास ने कहा माहरीन फलकियात और मौसमियात के मुताबिक 3 जून को चांद के रुईत का इम्कान ही नहीं था। मरकजी रुईते हलाल कमेटी के कयाम का सिर्फ एक मकसद है कि ईद और रोजे पर इत्तेफाक पैदा किया जा सके। बड़ी बदकिस्मती है, कोशिश की गई इस बार की कैलेंडर के साथ मिला के और रोयत दोनों की कोई एक सूरत बनाई जाए। बदकिस्मती है कि कोई ऐसी सूरत हल ना बनी। मौसमियात के जो बड़े माहिर हैं हमारे फहीम, डॉक्टर फहीम हाशमी साहब ने कि 3 तारीख को रोयत का इम्कान दुनिया के किसी भी खत्ते में नहीं है। इलामा रागिब नईमी ने कहा यह बड़ा हसास मामला है कि चंद लोगों की ख्वाहिश और झूठी गवाही पर चांद का ऐलान कर दिया जाए। वजारत मजहबी अमूर पूरे मुल्क में चांद देखने के इंतजाम कर रही है और वजीर मजहबी अमूर ईद मना रहे हैं। किसी भी एतबार से चांद की रोयत मुमकिन ही नहीं थी और जो शहादतें आई हैं, फिका का एक कायदा और कुलिया है कि अगर शहादत क्राइम के खिलाफ हो तो उस शहादत को फाल्स सबूत दिया जाता है। मोहतरम जामिया बनूरिया कराची मुफ्ती नईम केपी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा 28 रोजे कराकर हुकूमत ने लोगों के साथ जुल्म किया। कल को बाकी सूबे भी इस तरह ऐलान कर देंगे, लिहाजा मरकजी रुईते हलाल कमेटी पर सबको एतमाद करना चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने अवामुल्लाह के साथ ऐलान करके लोगों को 28 रोजे, शरीयत के अंदर 29 है या 30 रोजे, 28 रोजे का तो कोई सबूत ही नहीं है और न जायज है। इलामा रागिब नईमी और मुफ्ती नईम ने खैबर पख्तूनख्वा में ईद के ऐलान और 28 रोजे के मामले पर जिम्मेदारान को बरतरफ करने का मुतालबा भी कर दिया। आगे बढ़े आपको बताएं, कौमी क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में ईद उल फितर मनाई। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने नॉटिंघम की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا सा
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उनका कहना था कि आज का दिन जरूरतमंद भाइयों और बहनों की मदद का तकाजा करता है। अल्लाह के हजूर सजदा करते वक्त मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती की दुआ की जाए। आज कौमी यकजहती और इत्तेहाद की सख्त जरूरत है। उन अनासर को शिकस्त देनी होगी जो मजहब के नाम पर फसाद फैलाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। जेल से जारी पैगाम में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह रमजान में मुल्क को कौम के लिए दुआएं मांगी गई, दुआएं कबूल फरमाए और पाकिस्तान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। मेरी ईद परेशान हाल जिंदगी गुजारने वाली अवाम के नाम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि मुसल्ला अफवाज की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक हो, अम तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की दुआओं के साथ ईद मुबारक हो। पाकिस्तान में तायुनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लिमोर ने पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। तो आपको बताते चले, पाकिस्तान में तायुनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लिमोर ने पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। My name is Wendy Gilmore. I'm the Canadian High Commissioner here in Pakistan. I'd like to wish everyone in Pakistan Eid Mubarak, a very happy and joyful celebration after this holy month of Ramadan. और पाकिस्तान में तायुनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस चू ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान में तायुनात बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस चू ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। हुदा शाह इस वक्त एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और जान लेते हैं कि लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। हुदा, बताइएगा, आपकी तैयारी तो भरपूर दिखाई दे रही है, गहमा गहमी आप कैसी देख रही हैं बाजारों में? जीशान और जुदैरा, आप लोग वहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो देखने वालों को शवाल का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। और चांद रात है, इस वक्त मैं पैकेजेस मॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसे ही अफ्ताह रश नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी का मौसम भी है, ऊपर से रोज़ा रखा हुआ था, सब इंतज़ार कर रहे थे कि आज आखिरी रोज़ा हो। खैर, आखिरी रोज़ा था और चांद नज़र आ चुका है। कल होगा ईद का पहला दिन और जैसे ही अफ्तारी हुई, यहाँ पर रश जो है गहमा गहमियाँ बढ़ गई है। फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और आप लोगों ने मेरे हाथ में देखा होगा, आते साथ ही मैंने मेहंदी के स्टॉल पे गई और मैंने तो मेहंदी लगवा ली, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। कुछ फैमिली मौजूद है, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। और अस्सलाम वालेकुम, शॉपिंग कर ली, आप पहले बच्चे को संभाल लें। हमारे पास दूसरी फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा गुजरा आपका रमजान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बादत में गुजरा और इफ्तारी में गुजरा। अच्छा, तो अब ईद की शॉपिंग के हवाले से बताएं, शॉपिंग कर ली है, बच्चे आपके मौजूद हैं आपके पास, शॉपिंग का क्या सीन है? शॉपिंग अपनी तो रह गई है, बच्चों के गार्डन के कपड़े जूते सब कुछ ले लिया, बस अपनी चूड़ियाँ रह गई हैं और मैंने मेहंदी लगवानी है अभी। चूड़ियों से याद आया, आपको बताते चलें कि कपड़े तो है वो रमजान का पूरा महीना चलते ही रहते हैं, दर्जियों के चक्कर भी लगाते रहते हैं, लेकिन अब जो मरहला है वो है मैचिंग ज्वेलरी का। खवातीन जो है वो बहुत मसरूफ है, आज आखिरी दिन है, कल ईद है, आज सारी रात बाजार और मार्केट्स खुलने वाली हैं, तो वो जा रही हैं और मैचिंग ज्वेलरी जो है वो अपने कपड़ों के साथ ढूंढ रही हैं। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं मानिया शकील अपनी इस रिपोर्ट में। झुमका, बाली, कंगन या हो बिंदिया, इन जेवरात के बगैर खवातीन खुद को अधूरा महसूस करती हैं। और जब बात हो ईद के त्योहार की, तो अपने ईद के जोड़े की रौनक को बढ़ाने के लिए खवातीन जेवरात में भी नित नए डिजाइन का इंतखाब करती हैं। जैसे झुमके हो गए, टीका हो गया, कंगन हो गए,
आप जब ये सब पहनते हैं तो एक नॉर्मल जोड़ा भी जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ड्रेसेस तो आप पहन लेते हैं, लेकिन जब तक ज्वेलरी ना पहने तो वो बात पूरी नहीं होती, वो कमी पूरी नहीं होती। देवरात की दुकानों पर सजी चांद बाली हो या कुंदन के काम से बना हुआ गुलूबंद, अपनी चमक से खवातीन को मुतवज्जा करते ये जेवरात इस बात का गुमाज है कि मामूली जोड़े को भी जेवरात की चमक कीमती बना देती है। खवातीन के कीमती जोड़े में जेवरात के चार चांद लगाए बिना सिंगार अधूरा ही रहता है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज कराची। मानिया शकील की रिपोर्ट तो आपने देखी। यहाँ पे एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो ईद की शॉपिंग उन्होंने कर ली है और कहाँ तक पहुँची है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे, आप लोगों की शॉपिंग हो गई है? आपकी शॉपिंग हो गई है? नहीं जी बच्चे, आप बताएं बच्चों की शॉपिंग, आपका रमजान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और शॉपिंग कंप्लीट कर लिया? जी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, बस अब जाने की तैयारी हो रही थी, कुछ तो चीजें रह गई थी वो कंप्लीट की है बस। लाहौर में क्या शॉपिंग का की सूरत हाल है ये तो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन इस्लामाबाद का रुख करते हैं। वहाँ पे भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया चांद नजर आ चुका है, चांद रात है, लोग अब निकल रहे हैं बाजारों की तरफ, मार्केट्स की तरफ। तो इस्लामाबाद में शॉपिंग की क्या सूरत हाल है ये बता रही है रोजीना अली। जी रोजीना, बाजार की रौनकों के क्या कहने, यहाँ पर हर तरफ गहमा गहमी नजर आ रही है। मैं जिना सुपर की गोल मार्केट में मौजूद हूँ। चांद रात के लिए खसूसी तौर पर यहाँ पर एहतमाम किया गया है, लड़कियाँ हैं ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ हैं और बहुत खूबसूरत से बैंगल्स खरीदे जा रहे हैं, चूड़ियों की खरीदारी की जा रही है, मेहंदी लगवा ली, क्या खरीदारी अभी बाकी रहती है? चूड़ियाँ बाकी रह गई हैं और मेहंदी अभी लगवानी बाकी है, सो वेटिंग पे है अभी, तो ड्रेस के साथ की चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। अच्छा, आखिरी रात पढ़ना चूड़ियों और मेहंदी के अलावा कई लड़कियाँ ऐसी भी होती है मैचिंग दुपट्टा मैचिंग पर्स रह गया, ओ माय गॉड अभी तो मस्कारा नहीं लिया, आपकी क्या क्या खरीदारी रहती है? नहीं हमारी बस चूड़ियाँ एंड वाली चीजें रह गई हैं बस। अच्छा तो अभी आप क्या खरीदने वाली हैं? चूड़ियाँ देख रहे थे, कोई अच्छी नई नजर आ रही मिलनी नहीं, बस वही परेशानी है। सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर मेहंदी और चूड़ियों की ही है, और यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं कि कितने जो है यहाँ पर नजर आएंगे आपको, छोटी छोटी बच्चियों के लिए भी चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और हर तरफ ऐसी ही गहमा गहमी है, किसी ने झुमके खरीदे हैं, किसी ने चूड़ियाँ खरीदी, और खासतौर पर आज चूँकि चांद रात है और चांद रात पर रुझान यही होता है कि मेहंदी लगाई जाए, खूबसूरत सी चूड़ियाँ खरीदी जाए, क्योंकि सुबह को ईद मनानी है तो अपने जोड़े के साथ वो खूबसूरत सी जो चूड़ियाँ हैं वो खनकती हुई चूड़ियाँ पहनते हुए सबको ईद मुबारक कहें। जी ठीक है रोजीना, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं पैकेजेस मॉल में मौजूद हैं और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है और आप बताया अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग हो गई है मेरे ख्याल से काफी काफी तो नहीं थोड़ी सी रह गई है। कहते हैं कि जी जो ईद है वो बच्चों की होती है या खवातीन की होती है, आप सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। यानी आपने अपनी कोई शॉपिंग नहीं की? नहीं, मुझसे ज्यादा बच्चों मेरी मिसेज की जरूरत है। लेकिन ठीक है, इन्होंने तो ये कहा है, लेकिन कराची की तरफ जाने बढ़ते हैं, वहाँ पे अली रजा एक सलोन में मौजूद है और वो सलोन है लड़कों का, तो इससे साबित होता है कि मर्द हजरात को भी ईद की तैयारियों का काफी जोश व खरोश है और वो जोश व खरोश से जो है ईद की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अली रजा बता रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, ईद अब सर पे आ चुकी है, चांद रात के मौके पर जो है बड़ी तादाद में लोग जो है मौजूद हैं, कोई फेस मसाज करवा रहा है, कोई हेयर कटिंग मुकम्मल करवा रहा है, और किसी को फिक्र है कि वो सबसे ज़्यादा बेहतर दिखे, और कुछ लोग हैं जो तैयार हो चुके हैं जिन्होंने हेयर कटिंग भी करवा ली है। एक साहब मौजूद हैं, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर, कल ईद है और तैयारियों के लिए जो है लाइन लगी हुई है, रश लगा हुआ है लोगों की दुकानों पर बाबर शॉप पे। जी जी बिल्कुल, कल चांद रात है तो और शॉपिंग भी होती है एक जगह, और एक जगह पर अपने आपको संवरना भी होता है, तो उसमें टाइम बहुत कम रह जाता है, काफ़ी रश भी था यहाँ पर, वेटिंग में भी वेट किया काफ़ी यहाँ पर, और अब हो गया, अब तैयार हो गए। जी बिल्कुल, ये तैयार हो चुके हैं, इस तरह बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि रात गए तक जो है इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का, हम उम्मीद करेंगे कि उनको भी मौका मिल जाए और उनकी भी जो है हेयर कटिंग सही से हो जाए ताकि वो भी खूबसूरत लग सके इस ईद। ठीक है अली रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त मैं पैकेजेस मॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसे जैसे रश बढ़ रहा है मैं आपको शॉपिंग के हवाले से अपडेट जो है वो करती रहूंगी। इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो की जानिब बढ़ते हैं जहाँ पे जिशान और जुनैरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी ओवर टू यू जिशान।
ठीक है हुदा, वक्तन फवक्तन आपसे जानते रहेंगे कि कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। शवाल का चांद नजर आते ही मोतकफीन का मुजाहिदा खत्म हो गया। लाहौर में शहर एतकाफ, दाता दरबार समेत शहर भर की मसाजिद से मोतकफीन एतकाफ से उठ गए। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे अली रजा से। जी अली रजा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं टाउनशिप शहर इतकाफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर फर्जंदान इस्लाम की एक बड़ी तादाद जिन्होंने इतकाफ की सआदत हासिल की थी, और अब ये लोग जैसे ही ईद का चांद नज़र आया है अपने अपने शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ फर्जंदान इस्लाम मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, आप यहाँ पर इतकाफ पर बैठे 10 दिन, आपने ये सआदत हासिल की, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि मिनहाजुल कुरान ने बहुत अच्छी इतकाफ का अरेंज की थी उन लोगों के लिए जिनमें स्पेशली मौजूद तकवा, तहारत और अल्लाह को राज़ी करना था, जिसमें अखलाकियात और मजमी बैमूर पे बात की गई। अजी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना नौजवानों ने यहाँ पर 10 दिन इतकाफ पर बैठकर जो यहाँ पर इबादत सीखी हैं और जो तालीमात सीखी हैं उन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके में डील कर सकें और इस्लाम का जो सही मायनों में इस्लाम की जो तालीमात हैं उसे दूसरों तक पहुँचा सकें। जी ठीक है अली रजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब वो पीटीआई की हुकूमत को गिराएंगे, उन्हें आवाम का एहसास है, उन्हें दुख भी होता है। फंड्स बंद हैं जिसकी वजह से आवाम सख्त मुश्किलात से गुजर रही है। हुकूमत चलाना पीटीआई के बस की बात नहीं, वो नवाब शाह में तकरीब से खिताब कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब वो पीटीआई की हुकूमत गिराएंगे, उन्हें आवाम का एहसास है और उन्हें दुख भी है। कहते हैं कि फंड्स बंद हैं जिसकी वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि जाली और सियासी मुकदमात में कैद नवाज की सेहत को खतरा लाहक है, मुलाकात की इजाजत मांगी मगर इनकार कर दिया गया। साबिक वजीर आजम के जाती मौलिज ने भी नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात की निशानदेही कर दी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि मियां साहब की तबीयत पूछने के लिए मुलाकात की इजाजत मांगी मगर इनकार कर दिया गया। कहना सिर्फ ये था कि जो हम पे आज बीत रही है कल आप पर भी बीतेगी, याद दहानी जरूरी है क्योंकि मकाफात अमल अटल है। जाली और सियासी मुकदमों में कैद नवाज शरीफ की सेहत को खतरा लाहक है, ऐसे में जो बेटी को मिलने की इजाज़त ना दे उनसे बड़ा जालिम कौन होगा। मियाँ नवाज शरीफ के जाती मौलिक डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया कि जेल में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उनकी तबीयत ठीक नहीं, सांस लेने में मुश्किल दरपेश है, नाइट्रेट स्प्रे से तबीयत संभली, मियाँ नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा लाहक है, ये एक वार्निंग है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मियाँ नवाज शरीफ की जेल में सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, हालात देखकर कहने पर मजबूर हूँ कि मियाँ साहब के कत्ल की साजिश हो रही है, किसी नुकसान का जिम्मेदार और कसूरवार इमरान खान होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को ईद के मौके पर वालिदा बेटी और घर वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान साहब ऐसे इंतकामी सियासत से आपकी नालायकी और नाअहली खत्म नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ के अहले खाना को उनसे मिलने की इजाज़त ना देने को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि मरियम नवाज को बीमार वाले से ना मिलने देना नाकाबिले बर्दाश्त सलूक है, सेलेक्टेड हुकूमत बाप बेटी को मिलने से रोक कर क्या पैगाम दे रही है, हुकूमत फिलफौर मरियम नवाज को नवाज शरीफ से मिलने की इजाज़त दे। उनका कहना था कि जब बात इंसानियत की हो तो सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रख दिए जाते हैं, पहले इंसान बनो फिर हुक्मरान बनो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस का ऑफशोर कंपनी के जरिए खत में मजीद कहा गया कि रेफरेंस वजीर आजम के एडवाइस पर लिखा गया, तो क्या वजीर आजम ये समझते हैं कि किसी भी शख्स की बीवी और बच्चों की अपनी जायदादें जाहिर करना जरूरी है, तो क्या या मौजूदा बीवी और बच्चों की जायदादें बताएं, इनकी बीवियों के नाम जायदादें हैं तो क्या वो अपनी बीवियों और बच्चों के नाम तमाम जायदादों को जाहिर कर देंगे। जस्टिस कासिफ आजीसा का खानदान बलूचिस्तान की तारीख और सियासत में अहमियत का हामिल है। उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के पहले सदर थे, उन्हें कायदे आजम की कुर्बत भी हासिल रही। काजी मोहम्मद ईसा ब्राज़ील में पाकिस्तान के सफीर भी तायुनात रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कासिफ आजीसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। इब्तदाई
تعلیم کوئٹہ اور قانون کی ڈگری لندن سے حاصل کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے ہیں جو تحریک پاکستان میں شامل تھے۔ ان کے دادا قاضی جلال الدین ریاست کلات کے وزیر اعظم تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد صوبے کی پہلی شخصیت تھے جنہوں نے برطانیہ سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ انہیں قائد اعظم نے مسلم لیگ بلوچستان کا صدر نامزد کیا۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بلوچستان سے واحد رکن تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی والدہ سعدیہ عیسیٰ نے بلوچستان میں خواتین میں شعور اجاگر کرنے کے لیے سماجی کاموں میں حصہ لیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء فرم میں بھی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے قانون اور شریعت پر آرٹیکل لکھے۔ 2007 میں جنرل مشرف کی ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ججز نے حلف لینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں تمام ججز فارغ ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے 5 اگست 2009 کو قاضی فائز عیسیٰ کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان میں تعیناتی کے دوران صوبے میں انصاف کی فراہمی، وکلاء کے مسائل کے حل اور ہائی کورٹ کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ 5 ستمبر 2014 کو قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں تارک روڈ پر آتش زدگی کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں اور سنارکل کی مدد سے مدینہ مال میں لگنے والی آگ پر 2 گھنٹے کے ریسکیو آپریشن کے بعد قابو پایا گیا۔ اسی بارے میں دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں تارک روڈ مدینہ مال میں آگ لگ گئی۔ پولیس حکام کے مطابق فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیوں اور 1 سنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ مدینہ مال کے فرسٹ فلور پر لگی تھی، جس سے کم سے کم 50 سے زائد دکانیں جل گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کافی دکانیں متاثر ہوئی ہیں اور کافی اوپر آگ لگی ہے، زیادہ تباہی اوپر ہوئی ہے اور نیچے بھی کافی حد تک ہوئی ہے۔ آگ کے باعث تارک روڈ مدینہ مال کے سامنے کا روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کو بعد میں کھول دیا گیا۔ کیمرامین آصف شفیع کے ساتھ دانیال سید، 24 نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے یوسف پلازا میں موٹر سائیکل چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی، جبکہ گزشتہ روز پولیس اہلکار کے ہاتھوں قتل ہونے والے دوسرے اہلکار کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے یوسف پلازا میں موٹر سائیکل چوری ہونے کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں 2 موٹر سائیکل لفٹرز کو بلڈنگ سے موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج میں ایک ملزم نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے جبکہ دوسرا بغیر ہیلمٹ کے ہے۔ ایک ملزم کو بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے جس نے بلو شرٹ اور جینز پہن رکھی ہے۔ ادھر کرنگی عوامی کالونی میں اپنے ہی پیٹی بند بھائی کی فائرنگ سے قتل ہونے والے پولیس اہلکار منظور علی کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول منظور کو ہاتھ، ٹانگ اور کمر میں 3 گولیاں لگی۔ فائرنگ کرنے والے اہلکار، جس کا نام بھی منظور ہے، اس کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ڈیوٹی کے بعد ہی واپس آئے ہیں تو اینی جو بندے، انہوں نے بتایا کہ میں طرف کلامی کوئی ہوئی تھی آپس میں۔ اس کے بعد جیسے ہی اوپو مارکیٹ کے پاس پہنچے تو ایک دونوں ہی کا نام منظور ہے، دونوں ہی کا منظور ہے، تو جس نے ہٹ کیا ہے اس نے پیچھے سے اس کو فائر مارے، 3-4 فائر کی آواز آئی ہے، جس میں سے 3 تو اس کو لگے ہیں اور 2 جو دکاندار تھے وہاں سے گزر رہے تھے ان کی ٹانگوں کو وہاں پر لگے۔ دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے لیاقت آباد نمبر 1 میں ایک گھر پر چھاپہ مار کر تنویر چاند نامی شخص کو حراست میں لے لیا۔ ملزم متحدہ قومی مومنٹ کا سابقہ کارکن ہے۔ راولپنڈی میں سخت گرمی اور مہنگائی کے باوجود عید شاپنگ جاری ہے۔ سخت گرمی اور مہنگائی کے باوجود خواتین اور بچے چاند رات کی شاپنگ کے لیے بازاروں میں آ گئے۔ خریدار مہنگائی کا رونا روتے رہے، دکاندار بھی ٹیکسوں سے تنگ نظر آئے۔ سردار صداقت کی رپورٹ میں جانیے۔ مہنگائی اپنی جگہ، مگر عید ہو اور وہ بھی عید الفطر تو بچے اور خواتین خریداری نہ کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ جی ہاں، پنڈی کے پرانے بازاروں باڑا اور موتی بازار میں بچوں سمیت خواتین کا طوفان امڈ آیا۔ 25% زیادہ ہو گئے ہیں، جہاں پہ 100 روپے کی چیز ملتی وہاں 250 روپے کی مل رہی ہے۔ بڑے تو مہنگائی سے پریشان اور مجبور ہیں، مگر بچے اپنی من پسند کی اشیاء بھی دل کھول کر خریدتے ہیں۔ چیزیں بہت ایکسپینسو ہمیں مل رہی ہیں، اتنے ریزنیبل پرائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب شاپنگ تو کرنی ہے عید کے لیے۔ عید تو اس بار بہت مہنگی ہے اور چیزیں تو کافی ساری لی ہیں، تقریباً سب چیزیں لی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں۔
रावलपिंडी की 100 साल पुरानी ग्वाल मंडी की तारीखी निमको गली में भी खरीदारी की रौनकें अरूज पर हैं। निमको और दही भल्लों से ईद पर मेहमानों की तवाज़े की जाएगी। जिस चीज के बारे में पूछें ये हाथ लगाएं, इतना रेट होता है कि जेब की तरफ हाथ जाने को दिल ही नहीं करता। ईद छोटी हो या बड़ी, महंगाई कितनी ही क्यों ना हो, अमीर और गरीब अपनी इस्तेताद के मुताबिक शॉपिंग जरूर करते और त्योहार की रौनकों से लुत्फ अंदोज होते हैं। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ सरदार सदाकत अली, 24 न्यूज, रावलपिंडी। ईद पर इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में खुद साख्ता महंगाई और उच पर पहुंच गई। फलों सब्जियों के निर्ख दोगुना करके रेट लिस्टें गायब कर दी गई। मुनाफाखोरों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। बिलाल बर्क की रिपोर्ट में जानिए। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में महंगाई का तूफान बरपा हो चुका है। मुनाफाखोर सब्जी और फल फरोशों ने कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक समेत कई सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया नर्ख नामे जारी तो कर देती है, लेकिन इस पर अमल नजर नहीं आता। सब्जी लेने आई थी, टिंडे जो है 100 से नीचे तो दे ही नहीं रहे। भिंडी 50 रुपए किलो कर रहे हैं और बहुत ही उसकी क्वालिटी नहीं है। ये जो जब बाजार लगा हुआ था उस वक्त हर चीज सस्ती थी, तो आज इन्होंने हर चीज जो है वो डबल कर दी है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से फ्रूट महंगा मिलता है, इसको सस्ता कैसे बेचें? हमने भी बच्चों की रोजी रोटी कमानी होती है। ये तो बाहर रेडियो वाले आए हैं, अंदर तो ये ब्लैक वगैरह कर रहे हैं, मगर जो बाजार वाले बंदे हैं वही रेटों पे बेच रहे हैं। हम यकीन माने अभी जब ईद करीब आती है ना, तो पीछे मंडी भी हमारी तेज हो जाती है, हम फिर आगे मजबूर हो जाते हैं। नुकसान तो हमने नहीं करना होता फिर अपना। शहरियों का मुतालबा है कि इंतजामिया मुनाफा खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि ईद शहरियों की जेब पर भारी ना पड़े। कैमरामैन नवीद शेख के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ईद उल फितर के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी मिठाइयां और केक खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से बेकरीज पर शहरियों का रश लग गया। मजीद बता रहे हैं रावलपिंडी से उस्मान जावेद। जी उस्मान। जी बिल्कुल, छोटी ईद जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, और इस मीठी ईद पर अगर मिठाइयाँ और केक ना हो तो ईद का मज़ा अधूरा रहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्वीट हाउस में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कैमरा मैन अरसलान बलोच आपको दिखा सकते हैं, तो लोगों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों, दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के लिए भी जो मीठी ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए केक और मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखें, ये रमज़ान का बासादत महीना जब इख्तिताम पे होता है तो इनाम के तौर पे अल्लाह ताला मुसलमानों को ईद का त्यौहार देता है, और ये ईद का त्यौहार जो होता है फिर इसमें ईद की नमाज के बाद मिठाइयाँ, सवैयाँ, लोग मीठी ईद अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों को देने के लिए ले जाते हैं और ख़ास करके दुकानों का रुख करते हैं। कोई इस वक्त रावलपिंडी की तमाम जो 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 स्वीट्स हाउस हैं और इसके अलावा जो बेकरीज हैं उनमें लोगों का रश लगा हुआ है और लोग अपने प्यारों के लिए मनपसंद चीज़ें, मिठाइयां वगैरह खरीदने में मशगूल। शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे लाहौर का। ईद नाम है खुशियों का, मिठास का, एक दूसरे को प्यार बांटने का। जब बात हो प्यार की तो उसके इजहार के लिए मीठे से बढ़कर कोई तोहफा ही नहीं हो सकता। मिठाई, मिठास से भरपूर केक बनता कैसे है, ये जानने के लिए देखिए अफीफा नसरुल्ला की रिपोर्ट। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ, इन खुशियों को बांटने का सबसे अहम जरिया केक है। ये हम किचन में मौजूद हैं, हम यूसुफ साहब जो कि यहाँ पर केक स्पेशलिस्ट हैं, आज हमें केक बनाना भी सिखाएंगे। अच्छा, ये एक कार्ड के साथ इसको प्लेन कर रहे हैं और अब इसके ऊपर इनकी टॉपिंग की बारी आ गई है। अब इसको टॉप करेंगे अच्छे से, खूबसूरत तरीके से आप डेकोरेट करेंगे। ये बड़ा मज़ेदार सा एक केक बन चुका है, और जब इस तरह के केक हो और ईद का मज़ा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और अपनी फैमिलीज को देने के लिए ये एक बेहतरीन सौगात है, तो आप भी अपने प्यारों को ईद के तोहफे में अगर ये केक देंगे तो उनकी खुशी भी बढ़ेगी और आपका आपस में प्यार भी बढ़ेगा। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ फीफा नसरुल्ला, हो। ईद उल फितर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी का त्यौहार है। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से पहले सदका फितर देना सुन्नत है। ईद उल फितर की अहमियत के बारे में बता रही हैं इस्लामाबाद से इरफान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में।
عید الفطر پانچ بڑی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی، دوسری قیام اللیل یعنی تراویح، تیسری نزول قرآن، چوتھی لیلۃ القدر اور پانچویں روزہ داروں کے لیے رحمت و بخشش کی خوشی ہے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ چونکہ کسی بڑی عبادت کی تکمیل کے بعد منائی جاتی ہیں، اس لیے ان کے منانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس کو ادا کریں اور عبادت اور نیکی کے ساتھ ادا کریں، اس میں گناہ اور لہو و لعب نہ ہو۔ ان تمام خوشیوں کا اظہار صدقہ فطر کے ذریعے کرنے کا حکم ہے، تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ خرچ اور خیرات کرنے کا عمل بھی شامل ہو جائے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس دن کو مومنوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ اپنا فطرانہ ادا کرے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ عید کے روز سب سے اہم کام جو نماز عید سے پہلے کر لینا سنت ہے وہ فطرے کی ادائیگی ہے۔ صدقہ فطر روزوں کو مقبول بناتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عرفان ملک، 24 نیوز، اسلام آباد۔ اور بات کرتے ہیں خواتین کی عید کی، جو کہ مہندی کے بغیر ادھوری سی لگتی ہے۔ اچھے لباس اور چوڑیوں کے ساتھ خواتین مہندی بھی لگانا پسند کرتی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں سمین نواز۔ جی سمین، دیکھیے اب جیسے ہی چاند کی اطلاع ملی ہے، بازاروں میں خواتین کا رش یوں بھی بڑھ گیا ہے کہ چوڑی اور مہندی، جو کہ چاند رات کے لیے اس کام کو چھوڑا جاتا ہے اور چاند کی اطلاع ملنے کے بعد ہی تمام تر خواتین جو ہے وہ مارکیٹوں کا رخ کرتی ہیں، بالخصوص مہندی لگوانے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی اس وقت مہندی لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت میں یہاں پر کچھ بات کرنا چاہوں گی ان لوگوں سے، ان خواتین سے جو چاند کے اعلان کے ساتھ ہی اب اس وقت مہندی لگوانے کے لیے آ چکی ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ بالکل مناسب ریٹ ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دن بھر چونکہ شدید گرمی رہی تھی، اب عید کی خوشی ڈبل ہو گئی ہے۔ 29 روزوں کا چاند ہوا ہے، چاند رات کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چوڑیاں پہننے کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ چوڑیوں کی دکانوں پر بھی خواتین کا رش کے مہندی لگوانے کے لیے اس وقت آمد ہوئی ہے خواتین کی، جو رات گئے تک جاری رہے گی۔ اور عید کی نماز سے کچھ دیر قبل ہی یہاں پر رش چھٹتا ہوا نظر آتا ہے اور پوری رات خواتین یہاں پر اپنے ہاتھوں کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے، خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے خوبصورت ڈیزائن لگواتی رہتی ہیں۔ اور مہندی یہاں پر جو لگائی جا رہی ہے بہت مناسب قیمتوں پہ لگائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمیر نواز اپڈیٹ کر رہی تھی کراچی سے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ لندن میں برطانوی وزیراعظم اور امریکی صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کا کہنا ہے کہ امریکہ برطانیہ کا اتحادی بہت اہم ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور برطانیہ مشترکہ مقاصد پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ سے دنیا کو درپیش نئے چیلنجز پر بات ہوئی۔